अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के फोर्थ चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन ए, जिसके अंदर में क्या बोला गया है, इफ ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 12 एंड सी इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग टेबल। जिसमें बोला गया है कि अगर ऑपरेटर्स की वैल्यू, ऑपरेंड की वैल्यू ये है, तो हमें नीचे जो दिए हुए एक्सप्रेशन है इनको इवेल्युएट करना है। जैसे फर्स्ट की वैल्यू उसने दे भी रखी कि जैसे 1 है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को वैल्यू को निकालें। ओके, तो हम एक एक को सोल्व करते हैं। सबसे पहले है ए इज नॉट इक्वल टू 6 एंड डी इज ग्रेटर देन 5। देखिए, इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए इसके अंदर ऑपरेटर कौन कौन से है। एक तो ऑपरेटर है कितना, नॉट इक्वल टू, दूसरा ऑपरेटर है लॉजिकल एंड, और तीसरा ऑपरेटर है ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसके अंदर हमारे पास में दो तो रिलेशनल ऑपरेटर है और एक लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। तो अब इसके अंदर हम देखिए राइट साइड के अंदर हमारे पास में टेबल बनी हुई है, ये प्रायोरिटी डिफाइन करती है कि कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा। तो इसके अंदर देखिए कि कौन सा ऑपरेटर पहले सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है इसके अंदर ग्रेटर देन वाला, बी इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे कैलकुलेट होगा ये कि बी की वैल्यू कितनी आएगी, 12, 12 इज ग्रेटर देन 5, बिल्कुल सही है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, ट्रू मतलब कि 1। अब उसके बाद में यहाँ पे कितना बच गया, ए इज नॉट इक्वल टू 6 और लॉजिकल एंड, तो उस कंडीशन में रिलेशनल इज नॉट इक्वल टू वाला पहले कैलकुलेट होगा, लॉजिकल एंड बाद में होगा। तो ए इज नॉट इक्वल टू 6 मतलब 10 इज नॉट इक्वल टू 6, बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू आ गया। तो इधर भी ट्रू और इधर भी ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ट्रू। देखिए स्टेप वन के अंदर हमने क्या करा, ए इज नॉट इक्वल टू 6 इज ग्रेटर देन ट्रू। स्टेप बी के अंदर क्या आ गया, बी इज ग्रेटर देन ट्रू। स्टेप थर्ड क्या आ गया, ट्रू एंड ट्रू। तो आउटपुट में क्या आ गया, ट्रू, ट्रू का मतलब होता है 1। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर स्टेप वन के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है कि ए इज नॉट इक्वल टू 6 सबसे पहले कंपेयर होगा। क्यों, क्योंकि 6 के ऊपर अप्लाई हो रहा है दो ऑपरेंड, एक तो ये 6 के ऊपर इधर हो रहा है नॉट इक्वल टू और इधर हो रहा है लॉजिकल एंड। तो नॉट इक्वल टू मतलब रिलेशनल और लॉजिकल एंड, इन दोनों में से कौन सा वाला होगा, नॉट इक्वल टू, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी पहले है। इसके ऊपर काम हो गया, फिर इसके ऊपर आ गया स्टेप्स के अंदर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 12, सी इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग टेबल। इसके अंदर भी वैल्यू निकालनी है कि ए इक्वल टू 9 है और ये आ गया मतलब नॉर्मल रिलेशनल ऑपरेटर है, ये भी हमारा रिलेशनल ऑपरेटर और ये और ऑपरेटर है। तो अब रिलेशनल ऑपरेटर को देखते हैं कि भाई प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। सबसे पहले तो एक के ऊपर देख लेते हैं, ए इक्वल टू 9, 9 के बाद में आ रहा है ये, तो ये 9 एक कॉन्स्टेंट है, इस कॉन्स्टेंट के ऊपर दो ऑपरेटर अप्लाई हो रहे हैं, एक तो इक्वल टू वाला और एक लॉजिकल और। तो लॉजिकल और अर्थमेटिक इक्वल टू, इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी है, ये अर्थमेटिक वाले की, रिलेशनल ऑपरेटर की। तो ए इक्वल टू 9, तो ए की वैल्यू 10, 10 इक्वल टू 9 है, नहीं, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, फॉल्स, फॉल्स मतलब कि 0 इसकी वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पे 0 आ गया, उसके बाद में यहाँ पर आ गया लॉजिकल और यहाँ पर आ गया बी। तो अब देखिए इधर तो 0 आ गया और बी के ऊपर अब दो ऑपरेटर अप्लाई हो रहे हैं, एक तो लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन वाले की जो रिलेशनल ऑपरेटर है इसकी प्रायोरिटी हाई है, लॉजिकल और से तो पहले ये अप्लाई होगा। तो 12 इज लेस देन 3, नहीं, तो इसका भी रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स, फॉल्स मतलब कि 0, इधर भी 0 और इधर भी 0, 0 और 0, आउटपुट में क्या आएगा, 0, क्योंकि 0 एंड 0, फॉल्स एंड फॉल्स, दोनों में से कोई भी चूज करो तो फॉल्स ही आएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, नॉट ए इज लेस देन 10, देखिए बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्रेशन है, इसके अंदर तो प्रायोरिटी की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो देखिए ए इज लेस देन 10, ये पैरेंथेसिस के अंदर है, तो पैरेंथेसिस के अंदर है तो सेपरेट ही कैलकुलेट होगा। तो ए की वैल्यू है कि 10, 10 इज लेस देन 10 है, नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, फॉल्स, फॉल्स मतलब कि 0। तो 0 का आगे क्या लगा हुआ है, नॉट, तो जिसके आगे नॉट आ जाता है वो तो उसकी वैल्यू को जस्ट रिवर्स कर देता है, 0 होगा तो 1, 1 होगा तो 0, तो इसका इवेल्यूएशन आया था इज लेस देन 10, 10 इज लेस देन 10 गलत आ गया, तो 0, 0 का रिवर्स कितना हो गया, 1। नेक्स्ट में क्या है, इफ ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 12, सी इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू, सेम है। अब इसका भी देखिए नोट तो सबसे पहले बाहर लगा हुआ पैरेंथेसिस के बाहर, तो सबसे जो वैल्यू आएगी इसके वैल्यूएशन होगी कि जस्ट उसको रिवर्स कर देंगे, ये तो सबसे लास्ट में, सबसे पहले आ रहा है इसके अंदर ग्रेटर देन साइन हो रहा है और लॉजिकल एंड है,
तो लॉजिकल एंड और ग्रेटर देन, लेफ्ट से राइट में चलते हैं। देखिए ए के ऊपर तो केवल एक ऑपरेटर है, लेकिन ये जो फाइव है लिटरल कॉन्स्टेंट है। देखिए मैं इसको बोल रहा हूँ लिटरल या कॉन्स्टेंट, ये इंटीजर कॉन्स्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक इंटीजर डिजिट है। फाइव, टेन इज ग्रेटर देन फाइव, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका क्या आएगा, वन, वन बोल लीजिए या टू बोल लीजिए। तो वन एंड सी, सी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, जीरो। तो जीरो है तो फॉल्स होती है। वन एंड जीरो, वन एंड जीरो मतलब कि फॉल्स एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, तो उसके वैल्यूएशन के अंदर क्या आएगा, फॉल्स। अब फॉल्स का जब रिवर्स कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया, ट्रू। ठीक है, कि भाई यहाँ पे तो ट्रू आ गया, ये जीरो आ जाता है, ये फॉल्स हो जाती है, तो जीरो का रिवर्स कितना हो जाता है, वन। तो इस तरीके से इसका भी यूज हो गया। तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हम चेक कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर को, रिलेशनल ऑपरेटर्स को, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को, सभी को, रिलेशनल ऑपरेटर सभी अप्लाई कर रहे हैं कि सबको हम प्रायोरिटी के बेस के ऊपर ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब भी हमारे पास में इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो हमें प्रायोरिटी बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए। प्रायोरिटी का दूसरा नाम प्रेसिडेंस भी होता है, कि ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी क्या होती है, ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी क्या होती है। ओके, अगला है फाइव एंड सी इज नॉट इक्वल टू एट और नॉट इक्वल टू सी। अब इसके अंदर क्या चीज कैलकुलेट होगी, देखिए फाइव एंड सी, अब यहाँ पे सी हमारे पास में आ गया है। इधर तो केवल लेफ्ट एक सिंगल ही ऑपरेंड आ रखा है, इसके ऊपर तो केवल सिंगल ऑपरेटर है, लेकिन सी के ऊपर डबल ऑपरेटर, इधर लॉजिकल एंड है और यहाँ पे नॉट इक्वल टू रिलेशनल है। तो इसके अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी है, लॉजिकल, ये रिलेशनल ऑपरेटर की। तो सी के ऊपर क्या लगा, सी की वैल्यू कितनी, जीरो, जीरो इज नॉट इक्वल टू एट, बिल्कुल ट्रू आ जाएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। और फाइव एंड वन, ट्रू का मतलब हो गया वन, फाइव एंड वन मतलब ये दोनों नॉन जीरो वैल्यूज हैं, नॉन जीरो वैल्यूज हैं। तो फाइव एंड वन और यहाँ पे और आ गया लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, देखिए इसको आगे एप्लीसमेंट देख के बता देते हैं। सबसे पहले ये कैलकुलेट हो गया है, किसकी वैल्यू आ गई, वन। अब नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू सी ये यहां पर आ गया, हाँ बिल्कुल ठीक है, नॉट इक्वल टू सी आ गया। तो ये देखिए नॉट इक्वल टू सी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा थी इसके ऊपर से, तो ये आ गया ग्रेटर देन वन। अब वन और वन, वन आ गया, फिर फाइव एंड वन, ये वन आ गया, वन और वन, वन, तो इसका आउटपुट कितना आ गया, वन।